हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ असम गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट के बारे में। तो असम गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है DME, और जो है इसको लखीमपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के असम की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकला हुआ है। 79 वैकेंसीज है। अकाउंट, ड्राइवर, रिकॉर्ड क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अदर्स के वैकेंसीज है। तो आप लोगों को बताऊंगा जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन सारे कैंडिडेट के लिए पूरा डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पे 79 वैकेंसीज निकला हुआ है, और स्टार्टिंग डेट जो है 12 मई 2020 से शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन, और लास्ट डेट रहेगा 27 मई 2020। तो जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन सारे कैंडिडेट को बताऊंगा। एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम एज जो है यहाँ पे 18 ईयर से 30 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए BCom की डिग्री आपके पास होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पे देख सकते हैं DME.assam.gov.in। तो यहाँ पे जो है इस वेबसाइट में जाके आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक जो है 12 मई 2020 में जो कि एक्टिवेट होगा, एंड 27 तक जो है एप्लीकेशन जारी रहेगा। तो जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज एक जॉब है, जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे जल्दी से कर दीजिए। और भी कुछ जानकारी के लिए आप लोग कॉमेंट करना मत भूलिए, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।